नरेंद्र मोदी संबोधन कर रहा है, सीधा जय श्रोतिया। संस्कृति और पर्यटन से जुड़ी हुई है और मुझे खुशी है कि आज केंद्रीय विद्यालय सोनेपुर के स्थायी भवन का शिलान्यास हुआ है। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो सोनेपुर के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र के हजारों छात्र छात्राओं को लाभ होगा। ओडिशा में केंद्रीय विद्यालयों में हजारों छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। यहां केंद्रीय विद्यालय की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। 2014 के बाद कई नए केंद्रीय विद्यालयों का उद्घाटन यहां हो चुका है और कुछ पर काम अंतिम चरण में है। साथियों, शिक्षा मानव संसाधन का विकास करती है। ये संसाधन तब अवसरों में बदलते हैं जब कनेक्टिविटी का भी सहारा हो। इसी भावना के तहत ओडिशा में कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है। आज रेलवे से जुड़े 6 प्रोजेक्ट का लोकार्पण या उद्घाटन किया गया है। इससे उड़ीसा के भीतर की कनेक्टिविटी तो सुधरेगी ही, देश के दूसरे राज्यों तक आवाजाही भी आसान होगी। इससे आप लोगों को आने जाने की सुविधा तो होगी ही। किसान भाइयों को अपनी उपज को बड़ी मंडियों तक या बड़े शहरों तक पहुंचाने में ज्यादा आसानी होगी। आने जाने और माल ढुलाई के लिए सुविधा तैयार होने से यहां उद्योगों के लिए भी एक बेहतर माहौल बनेगा। जब उद्योग यहां आने लगेंगे तो युवाओं के लिए रोजगार के अनेक साधन विकसित होंगे। साथियों, थोड़ी देर पहले बलांगीर से बिछुपली के बीच जो नई रेल लाइन बनी है इसका उद्घाटन हुआ है। इसके साथ साथ इस पर नई ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई गई है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके अलावा झारसुगुड़ा के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, झारसुगुड़ा बीजी नगराम और संबलपुर अंगुल लाइन के विद्युतीकरण, बाराली डुंगरीपली और बलांगीर देवगांव के चौड़ीकरण और नागावली नदी पर बने पुल के लिए भी आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, कनेक्टिविटी जब अच्छी होती है तो करीब करीब हर सेक्टर पर इसका सकारात्मक असर होता है। विशेष तौर पर टूरिज्म के लिए तो सबसे ज्यादा संभावनाएं बढ़ती हैं। ओडिशा तो वैसे ही हर प्रकार के टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। यहां जंगल भी है और समंदर का किनारा भी। प्रकृति ने यहां कोई कमी नहीं छोड़ी। वही इतिहास और आस्था के तो एक प्रकार से केंद्र में रहा। साथियों, इसी भावना के तहत बीते 4 वर्षों से केंद्र सरकार धरोहरों और आस्था के स्थलों को विकसित करने में जुटी हुई है। ओडिशा के अनेक मंदिरों, पुराने किलों और दूसरे स्थानों का सुंदरीकरण और उनको संवारने का प्रयास भी किया जा रहा। इसी कड़ी में नील माधव और सिद्धेश्वर मंदिरों के नवीनीकरण और सुंदरीकरण के काम का आज शुभारंभ किया गया है। इसी प्रकार पश्चिम सोमनाथ मंदिर, भुवनेश्वर मंदिर और कपिलेश्वर मंदिर का भी जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण का काम पूरा हो चुका है और आज इसका भी लोकार्पण यहां किया गया है। इसके अलावा
यहां का जो एक पारंपरिक व्यापारिक रास्ता रहा है ओडिशा को मध्य भारत से जोड़ता है, उस रास्ते में अनेक ऐतिहासिक स्मारक है। यहां बलांगीर में ही रानीपुर जरियाल जो स्मारकों का समूह है उसको भी संवारा जा रहा है। वहां 64 योगिनी मंदिर हो या फिर लेहरागुड़ी सोमेश्वर रानीगुड़ी या फिर इंद्रलत मंदिर, आस्था और हमारे ऐतिहासिक कौशल का दर्शन देने वाले ये तमाम धरोहरें अपनी दिव्यता और भव्यता को बढ़ाने वाली है। साथियों, एक और स्मारक के नवीनीकरण की आज शुरुआत हुई है, कालाहंडी का असुरागढ़ किला। यह हमारे शौर्य का प्रतीक तो रहा ही है, साथ में एक अहम राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र भी था। यह महाकंटारा को कलिंग से जोड़ता था। अपने इतिहास के इन स्वर्णिम अध्यायों के साथ पुनः जुड़ते हुए